लालू जी को याद करना चाहिए कि 15 साल जो उनका राज था उसमें तो कोई शासन ही नहीं था। आईएएस ऑफिसर की पत्नी तक सेफ नहीं होती थी, वो राज लालू जी चलाते थे, उनको तो बोलने का कोई नैतिक अधिकार है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया था जिसको लेकर बिहार की सियासत काफी गर्म हो गई। लगातार सत्ता पक्ष के जितने भी नेता हैं लालू प्रसाद यादव के ऊपर हमलावर हुए, लेकिन इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी हमलावर होते नजर आए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन लालू प्रसाद यादव राजद वाले को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। 15 साल का जब शासन था उसमें अधिकारी की पत्नी भी बिहार में सुरक्षित नहीं थे। वहीं आज मन की बात थी और बाढ़ग्रस्त इलाके को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, पहले उनके बयानों को सुनिए। लोकतंत्र में अपनी बात सब रखते हैं, उनको लालू जी को याद करना चाहिए कि 15 साल जो उनका राज था उसमें तो कोई शासन ही नहीं था। आईएएस ऑफिसर की पत्नी तक सेफ नहीं होती थी, वो राज लालू जी चलाते थे, उनको तो बोलने का कोई नैतिक अधिकार है। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार 10 वर्षों से मन की बात के माध्यम से दुनिया को कैसे भारत से जोड़ा, मेकिंग इंडिया का सपना कैसे पूरा किया, लोकल फॉर वोकल को कैसे आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया, भारत के विरासत को कैसे दुनिया से जोड़ने का काम किया, ये सारे चीजों के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं। अब जो आज की सवेरे की सूचना है, थोड़ा राहत है कि नेपाल से आने वाला पानी घट रहा है, ये हमारे लिए, लेकिन पूरी तरह सरकार मुस्तैदी के साथ सारे तटबंध को देख रही है। लगातार मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर समीक्षा भी हो रही है और रात भर लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सभी बांध पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और आम लोगों से भी हम लोगों ने आग्रह किया है माइकिंग के माध्यम से, क्या बांध के अंदर चले आए, बांध पर खतरा ना हो इसकी पूरी समुचित व्यवस्था सरकार के लेवल पर की जा रही है। अब ये लोग विदेश ही घूमने वाले हैं, कोई देश में रहने वाले नहीं। तो आपने साफ तौर पर बिहार सरकार की डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयानों को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 10 साल से जो लगातार मन की बात जो चल रही है उसके उसके लिए विशेष तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने कई योजनाएं चलाई है और कई पहल कर रहे हैं। वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ऊपर जोरदार हमलेवार हुए, उन्होंने कहा कि 15 साल के जो शासन जो चलाए थे गुंडे मवाली चलाते थे शासन, और किस तरीके से उनके शासन में लूट खसोट होता था ये सबने देखा है। उनके शासन में आईएएस की अधिकारी की पत्नी भी सुरक्षित नहीं हुआ करती थी, और बाढ़ग्रस्त इलाके को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लगातार हम लोग इसके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जहां भी जो भी दिक्कतें आ रही है अधिकारी को साफ सख्त निर्देश दिया गया है, पेट्रोलिंग हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये राहत की है कि नेपाल से जो पानी जो प्रवेश हुआ है वहां से जो पानी जो खोला गया है वो काफ़ी हद तक कम हुई। वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव से जब मीडिया के द्वारा सवाल पूछा गया कि बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और नेता प्रतिपक्ष जो है विदेश घूमने में व्यस्त है, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये लोग हैं बस विदेश घूमने वाले हैं, देश में रहने वाले लोग कहाँ हैं। वायरल स्क्रम में इतना ही, आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट प्यार झारखंड पर। मैं सदन सिंह पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।